रुख करते हैं ठट्ठा का, जहां पर रोज न्यूज बना ठट्ठा के आवाम की आवाज। रोज न्यूज पर खबर नशर होने के बाद ठट्ठा सजावल के दो इजला को मिलाने वाली पुल का मुरम्मती काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने रोज न्यूज के चेयरमैन एसके नियाजी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। ठट्ठा से अली मोहम्मद जोखियो की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले रोज न्यूज पर ठट्ठा सजावल दोनों जिलों के बीच वाली पुल दूल्हा दरिया खान न्यू पुल का काम कई महीनों से बंद और पुरानी दूल्हा दरिया खान पुल की खस्ता हाली के हवाले से न्यूज नशर की गई थी, जिसका नोटिस लेते हुए सूबाई वजीर मुराद अली शाह ठट्ठा डीसी और ठट्ठा के एमपीएस के हमरा ठट्ठा सजावल दूल्हा दरिया खान पुल पर विजिट करने पहुँच गए और दूल्हा दरिया खान न्यू पुल का काम फौरी शुरू किया गया, जो तेजी से जारी है। ये एजाज रोज न्यूज को जाता है कि कुछ महीनों से वारिस पड़ी पुल के वारिस आ पहुंचे और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि ये न्यू दूल्हा दरिया खान पुल अगस्त 2016 तक मुकम्मल कर दी जाएगी। इसकी वजह से कुछ डिलेज हुई, उसके बावजूद जो इधर सिंध कोल अथॉरिटीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, उनके अफसरान कंसल्टेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स तीनों से मीटिंग की है और उन्होंने अगस्त के महीने में कहा है कि इंशाल्लाह ताला इस ब्रिज को कंप्लीट कर देंगे हम। ठट्ठा और सजावल दोनों जिलों की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और उनका कहना है कि ये सब रोज न्यूज पर दूल्हा दरिया खान पुल के हवाले से चलाई जाने वाली न्यूज की वजह से हुआ है। हमारा ये दूल्हा दरिया खान वाला जो पुल था, उसका काम बहुत दिनों से बंद था। हम शुक्र गुजार है रोज न्यूज वालों का, जिन्होंने ये खबर चलाई है और उसके बाद खबर चलने के बाद ये काम हमारा स्टार्ट हो गया है। हम शुक्र गुजार हैं इस चैनल वालों का जिन्होंने ये खबर चलाई है। इसकी वजह से ये काम हुआ है कि जो सजावल का पुल इतने सालों, यानी तकरीबन साल हो गया था उसको, कि बंद पड़ा था। ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, जो लोग वहां से आते थे उनके लिए मसला था आने जाने में। अच्छा चल रहा है रोज चैनल और हम सब देखते हैं रोज चैनल को और पूरी आवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रहा है और उसके साफी जो नुमाइंदे भी हैं बहुत मेहनत कश है, मेहनत भी करते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं, वहाँ कवरेज लेते हैं और मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। रोज टीवी बड़ा अच्छा चैनल है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पांचों वक्त की अजान देता है और हम बड़े शौक से इसको देखते हैं और खबरें भी बैक वक्त अच्छी और जल्दी पहुँच जाती है। इसमें ये होटल मेरी है, मैं रोज टीवी रोज चलाता हूँ। अच्छी चल रहा है, अच्छी चैनल है, सही काम कर रहा है। सरदार नियाजी साहब ने जो ये कोशिश की है, अल्लाह इनको और तरक्की दे और उम्र दराज करे। ये जो न्यूज चलने के बाद बंद काम फौरन चालू हो गया, ये सारा क्रेडिट रोज न्यूज को जाता है और आवाम ने बहुत सारी दुआएं भी दी हैं रोज न्यूज की पूरी टीम के लिए और सरदार खान नियाजी की उम्र में बरकतों के लिए भी दुआएं मांगी हैं। और लोगों का कहना है कि रोज न्यूज जो है वो वाहिद ऐसा इदारा है जो अवामी इदारा है, उसने साबित कर दिया है कि वो मजलूम आवाम की आवाज है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अली मोहम्मद जोखियो, रोज न्यूज ठट्ठा। रोज न्यूज एक मरतबा फिर सब पर बाजी लिया गया। रोज न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया और पुल की तामीर का काम दोबारा से शुरू हो गया, जिसके लिए इलाके के आवाम ने तशक्कुर का इजहार किया है चेयरमैन रोज न्यूज एसके नियाजी और रोज न्यूज की टीम से।